जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्त ने धोखा दे दिया, क्या करें। वो जिगरी दोस्त जो हमारे साथ रहता था, जो हमारे सुख दुख में साथ देता था, और कई सारी चीज़ें जो दोस्त है, क्योंकि इस दुनिया में दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी किसी से भी बन सकता है, जिसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, उम्र की सीमा नहीं है, न उसमें धन देखा जाता, न व्यक्ति का रूप रंग कुछ नहीं देखा जाता। दोस्ती संबंध अपने आप में विराट है, जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। तो दोस्तों, अगर दोस्त कोई धोखा दे दिया है आपको, तो क्या करें क्या नहीं करें, ये सब चीज़ें आप उसको वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगी। उससे पहले एक निवेदन है कि यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में एक दोस्त के बारे में अपने दोस्त का नाम जरूर लिखें, जो खास आपका दोस्त है उसका। पहली बात, जो दोस्त हमारे साथ कई दिनों से था, उसने जो धोखा दिया, तो पहले सिचुएशन को आप समझे। कुछ मजबूरियां होती है व्यक्ति की, कुछ अपनी मजबूरियां होती है, कुछ हालात होते हैं, और कई बार चीज़ें जो होती है आपको जैसी दिखाई दे रही होती है वैसी नहीं होती है। इसलिए इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखें कि कोई भी दोस्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगा, तभी कुछ उसने ये हालात निर्मित हुए होंगे, अन्यथा वो कभी भी अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता, क्योंकि तो दोस्ती संबंध ही ऐसा है, रिश्ता ही ऐसा है। दूसरी बात कि अगर कोई दोस्त धोखा दे देता है, तो वो समझिएगा कि भगवान की कृपा हुई आप पे, कि ऐसा दोस्त जिसे हमने जान से अच्छा रखा, जान से ज़्यादा रखा, और उसने हमें धोखा दे दिया, वो हमारे लिए अच्छा हुआ, अन्यथा वो भविष्य में कोई बड़ा घटना हमारे साथ हो सकती थी। तो दूरी उनसे बना ले, आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, जो हुआ आपके लिए अच्छा हुआ। तीसरी बात, कई बार हमसे अगर गलती हुई हमारे दोस्त के लिए, तो माफ़ी मांग लिया कि दोस्त मुझसे गलती हो गई, माफ़ी मांग ले और रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दोस्त एक दूसरे को माफ़ कर ही देते हैं। चौथी बात है कि लड़का लड़कियों में ये होता है कि वो दोस्त होते हैं, दोस्ती फिर प्यार में जब बदल जाती है, इजहार एक तरफ से कहीं से भी होता है, तो वो ना गवारा लगता है, मतलब ये अच्छा नहीं है। दोस्ती और प्यार दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, और ज़्यादातर लोगों की ये, मतलब हर एक लोग नहीं, लेकिन 5% ऐसे लोग हैं कि कोई लड़की या कोई लड़का हमारा अच्छा दोस्त है, तो हमसे वो प्यार भी करेगा। देखिए, प्यार एक अलग विषय है और दोस्ती अलग विषय है। तो ये चीज़ें दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दोस्त केवल दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि प्यार अलग विषय है, दोस्ती अलग है। दोस्त हमें कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाले होते हैं, प्यार मोहब्बत इनमें तो धोखा आम बात है, इसलिए ये दोनों चीज़ों की सीमाएं जरूर रखें, और दोनों चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझें। बहुत से लोग इनको नहीं समझकर उसे धोखा मान लेते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आप क्लियर कर लें, अगर सही है गलत है, तो आप बताएं मुझे। अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।